नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत हद तक तबीयत ठीक है, अब जुबान भी लड़खड़ा नहीं रहा होगा, डॉक्टरों की मेहरबानी से जीभ ठीक हो गया है। थोड़ा सा उसमें फुंसी हो गया था जिससे आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी, इसीलिए आप लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखा था। लेकिन चलिए, आज फिर से गेम समझिए में हम आपके सामने हाजिर हैं, और गेम समझिए में जो पिछले 24 घंटे में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को लेकर के अब आने वाले जो बिहार और देश की राजनीति है उसका ताना बाना कैसे बुना जा रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे में जो एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम फैसला बनकर, इसलिए कि इस फैसले के बाद जहां एक तरफ एक बार फिर से सदन में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गले लगाते देखेंगे, उन पर उंगली उठाते देखेंगे, लेकिन अब मोदी सरनेम वाले बात पर निश्चित रूप से जुबान को ताला लगा के रखेंगे। कोर्ट ने उन्हें बताया भी है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समाज का, वर्ग का, धर्म का अपमान न हो, उन्हें आहत न झेलना पड़े, इसलिए शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। खैर, इस बात से आगे बढ़ते हैं। जब राहुल गांधी बाहर निकले तो लालू प्रसाद से मिलने गए, वहाँ मीट बना, क्या हुआ, ये सारी बातें आपको मीडिया ने बता दिया होगा। इन सारी बातों को लेकर के हम उसके आगे की कहानी कह रहे हैं कि मीट भात खाने तो गए नहीं थे, गए थे आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, और इस बात पर लालू प्रसाद से मंथन करने के लिए कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस को लालू प्रसाद की ज़रूरत थी और कई लोगों की ज़रूरत थी, तो लालू प्रसाद बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए थे, चाहे वो सोनिया गांधी को सपोर्ट करना, कांग्रेस के साथ सरकार बनाना हो, या बिहार से लेकर के अन्य राज्यों तक कांग्रेस को सपोर्ट करना हो। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि वो गए थे और अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करके उन्होंने फुली बिना शर्त समर्थन कर दिया था ममता बनर्जी को। तो वहीं आपने देखा कि राहुल और सोनिया लगातार जो भरोसा है वो लालू प्रसाद पर करते हैं, उन्हीं का भरोसा है कि आज नीतीश कुमार आगे बढ़ करके और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, जिसका कमान सोनिया गांधी ने उनको दिया था। आपको याद होगा कि पहले राउंड में जब सोनिया गांधी से मिलने गए थे तो इस बात पर कोई बात नहीं बन पाई थी, कहा गया था कि जब तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक इस पर आगे बात नहीं बढ़ेगी। उसके बाद लालू प्रसाद सोनिया गांधी के पास तेजस्वी यादव के साथ भेजते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार दोनों से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं, और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता है। वहाँ के बाद वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, अखिलेश से मिलते हैं, फिर वो नवीन पटनायक से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा आपको पता है कि बेंगलोर भी गए थे, इसके अलावा तमिलनाडु भी गए थे। ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस जगह आती हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए और किस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी को सत्ता पर जाने से रोका जा सकता है। सर्वे कई आ रहे हैं, उन सर्वे में कभी कम कभी बेसी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पटना में जो 23 जून को बैठक हुई, उस बैठक के बाद दोबारा जब बैठक बेंगलुरु में हुई 18 जुलाई को, तो भारतीय जनता पार्टी भी एग्रेसिव हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तय कर लिया था कि अब वो एनडीए की भी बैठक करेगी और एनडीए में अपने कुनबे को बढ़ाएगी, जिसमें बिहार से लेकर के देश भर के भाजपा सहित लगभग 38 दलों को जुटाया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता या सीटों पर कोई चर्चा लंबी नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 338 सांसदों के साथ, जो एनडीए के हैं, सिर्फ अपने सांसद 303 के अलावे जो 338 सांसद हैं एनडीए घटक दल के, उन सभी से बात किए, मिले, और इतना ही नहीं, उन्होंने उन दलों से भी बात की जिनके पास कोई सांसद किसी भी सदन में नहीं है। लगभग सारी बातें उस जगह पर पहुंच गई हैं। एक तरफ जहां एनडीए इंतज़ार कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या निकल के सामने आता है,
तो निकल करके सामने आता है कि लालू प्रसाद ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको लेकर के राहुल गांधी भी पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल गांधी को भी पता है और लालू प्रसाद को भी पता है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, और अगर कुर्सी छोड़ेंगे भी तो उनके लिए कोई बड़ी कुर्सी तैयार करनी होगी। इसका सीधा मतलब है कि अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने जा रही है, लेकिन एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने के लिए और तेजस्वी यादव के लिए खाली कराने के लिए लालू प्रसाद ने वो रास्ता तय कर लिया है जिसमें स्वेच्छा से ये सब कुछ हो जाए। इसके लिए जो बातें चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं को विराम देते हुए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक बार फिर से दिल्ली से पटना वापस आए। पटना से दिल्ली गए थे, आपको याद होगा कि ये छोड़ने गए थे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को एयरपोर्ट पर, छोड़ने के बाद वो आए और फिर दूसरे ही दिन वो पहुँचे। जो फैसला था वो राहुल गांधी पर आया और फैसला आने के बाद जश्न एक तरह से मनाया गया मीसा भारती के आवास पर दिल्ली में, जहां लालू प्रसाद ने कहा जाता है कि अपने हाथ से मीठ भात बना करके खिलाया। लेकिन इन सारी बातों में आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि जिन जिन राज्यों में बैठकें हो गई हैं वहां क्यों हुई और उसके पीछे के कारण और तर्क क्या थे। तो बिहार में जो बैठक हुई तो वहाँ 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों में अभी 17 सीटें महागठबंधन के पास हैं यानी इंडिया गठबंधन के पास हैं, और बाकी के 23 सीटें एनडीए के पास हैं, यानी कि एनडीए के पास हैं मतलब जो पहले से एनडीए चला रहा था बीजेपी और एलजेपी का दोनों पार्ट, 6 सीटें उनके पास, 17 सीटें इनके पास, 23 सीटें इनके पास हैं। अब आगे इस 40 सीट में से नीतीश कुमार का कहना यह था कि इन 40 सीटों में से अब अधिकांश सीटें हम जीतेंगे, हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो कुछ और कहानी कर रहा है, लेकिन खैर अभी उसकी चर्चा हम करने नहीं बैठे हैं। दूसरा कर्नाटक की बात करें, सबसे बड़ा बात कर्नाटक के लिए है, कर्नाटक में बैठक करने के पीछे कारण था कि तत्काल हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी का जलवा दिखा था और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया था। उस भारतीय जनता पार्टी को जिसके पास 28 में से 20 सीटें लोकसभा की हैं, यानी इन सीटों में से सीटें कम करा दी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्टेप और पीछे सत्ता से होना पड़ेगा। अब सरकार है कांग्रेस की, वहाँ बैठक करके अपनी ताकत अजमाना, शक्ति संचय करना, ये शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा बात अगर आप महाराष्ट्र की करते हैं, दो बैठकें तो हो गई जिसमें से अब तक स्थिति यह है कि 17 प्लस 8 माने 8 नहीं 7 ही कह लीजिए 24 सीटें इन 116 सीटों में से, माफ़ कीजिएगा 116 सीटों में से नहीं 68 सीटों में से इनके पास है, जबकि 48 सीटों वाले जो गठबंधन हैं जहां दो गठबंधन चल रहा है महाविकास आघाड़ी और एनडीए, एनडीए में 3 दल हैं और उसी का पार्ट जो है वो कॉमन दोनों जगह एक ही पार्टी है, उसके अलग अलग पार्ट हुए हैं। जैसे आप शिवसेना की बात कर ले तो शिवसेना दो धड़े में बट गया है, तो एक पार्ट एनडीए में है और एक पार्ट इंडिया में है। वहीं एनसीपी की भी बात करें तो एक पार्ट एनडीए में और एक पार्ट इंडिया में है। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि वहाँ 48 सीटों में से 22 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी शेष की बात करें तो इसमें से और चार सीटें और हैं जो उसके गठबंधन में है, यानी कि 26 सीटें हैं। तो दूसरे खेमे में 22 सीटें हैं जिसमें से 18 सीट सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को है, और ये कारण है कि इन 48 सीटों में से अब जो 22 सीटें बच गई हैं, यानी सब मिलाकर के एनडीए में 26 सीटें हैं, इन सीटों को कम कैसे किया जाए और इस पर रणनीति बनाई जाए, इसके लिए कांग्रेस और अन्य दलों का सपोर्ट कैसे हो, खास करके अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में बिहारियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सब में लालू प्रसाद का फॉर्मूला ये है कि नीतीश कुमार को महाराष्ट्र से बनने से पहले ये प्रचारित कर दिया जाए कि उनके हाथ में इस गठबंधन का कमान दिया जाएगा।
इसका मुखिया बनाया जाएगा, हालांकि उसमें बहुत सारे पेंच हैं। पेंच ये फंसा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार अकेले लीड करेंगे या उनके साथ कोई और होंगे। तो 11 लोगों की टीम बनाने की बात बेंगलुरु में ही कह दी गई थी। नीतीश कुमार बेंगलुरु में नाराज थे, ये बात सब जानते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के बिहार से बाहर जाने और कोई बड़ा संगठन या किसी संगठन में कोई बड़ा पद मिलने, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ने से तेजस्वी यादव को ज़्यादा मौका मिलेगा बिहार में सरकार को चलाने का। लालू प्रसाद यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले रहें, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर के, जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि श्री रामचंद्र का खड़ाऊ लेकर के भरत ने शासन किया था, अब उसी तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का खड़ाऊ लेकर के बिहार की जो सरकार है वो चलाना चाहते हैं। और ये काम हो सकता है अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का मुखिया बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से पंचायती करने के लिए अलग अलग राज्य में जाना पड़ेगा। इस विषय को लेकर के बड़ी लंबी तैयारी है, और पूरी तैयारी में आपको बता दें कि 116 सीटों का आंकड़ा गणित फिट करना है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बड़े राज्य हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी है। संभावना है कि उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही मीटिंग होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी तैयारी कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, चौथी मीटिंग, वो पश्चिम बंगाल में होगी। तो ऐसी स्थिति में 116 सीटें ये हो जाती हैं बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र का। तो इसमें आप 42 सीटें और जोड़ सकते हैं, तो ये 158 सीटें हो जाती हैं। और उसके बाद पांचवी बैठक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन ये सारी बैठक तब और ज़्यादा फ्रूटफुल होगी जब नीतीश कुमार को महाराष्ट्र में कमान सौंप दिया जाएगा। संभावना ज़्यादा है, जिस तरह के कांग्रेस के बातचीत हो रही है या कांग्रेस जिस तरह का इशारा दे रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो इच्छा है वो पहली इच्छा पूरी हो जाएगी, उन्हें इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव के कैरियर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार का फैट पड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं, लगातार जारी हैं। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें आप देखते रहिएगा भारत लाइव पर। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।